जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश कर लिया है ऑलमोस्ट. अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों का प्रिपरेशन पार्ट हो चुका है. केमिकल रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट की ख़त्म हो चुकी हैं और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस हमारे एराइल हैलाइड के पार्ट की, ठीक है. लेकिन केमिकल रिएक्शंस शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा एराइल हैलाइड्स के बारे में एक इंट्रो लेना है. वैसे तुम एराइल हैलाइड को जानते हो, वो वाला इंट्रो नहीं कि एराइल हैलाइड होता क्या है. अभी ऑब्वियस है दो टाइप के रिएक्शंस मैं चाहती हूँ कि एराइल हैलाइड पर हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. एक आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास एक एराइल हैलाइड है तो वो वाला जो आपके पास एराइल हैलाइड है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, ठीक है. यानी कि SN रिएक्शन भी करवा सकते हैं अपन लोग, या फिर अपन ये भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ऐसी रिएक्शन. अब मैं यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब इन दोनों का अपन पहले मतलब समझ लेते हैं अच्छे से कि दोनों में क्या प्रोसेस या फिर क्या फिनोमिनॉन में यहाँ पे करवाने वाली हूँ, यानी कि क्या होने वाला है, ठीक है. SN रिएक्शन में होगा क्या कि ये वैसे पढ़े हम लोग कि आपका जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट के पास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कोई अच्छा खासा ग्रुप है, ठीक है, लिविंग ग्रुप है, अच्छा वाला नेगेटिव चार्ज का लिविंग ग्रुप है, तो उस लिविंग ग्रुप पर, ठीक है, अपन लिविंग ग्रुप को LG से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, इसको LG से डिनोट कर देते हैं. सबस्ट्रेट के पास कोई लिविंग ग्रुप है तो होता क्या है कि रिएक्शन के बाद सबस्ट्रेट का लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और सबस्ट्रेट के पास एक नया निगेटिव ग्रुप आके जुड़ जाता है, ठीक है. दैट इज़ ये इस तरीके से ये आपका न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा और आपका जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल गया. ये हो गई तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है. यानी कि एराइल हैलाइड में अब लिविंग ग्रुप कौन होगा, ऑब्वियस है कि एराइल हैलाइड में हमारा लिविंग ग्रुप हैलोजन रहने वाला है. तो अगर मान लेते हैं ये हम लोगों का बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग से जैसे मैंने मान लेते हैं हैलोजन अटैच करके रखा है, तो अगर मैं इस हैलोजन को रिप्लेस करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस हैलोजन को रिप्लेस करती हूँ तो इस रिप्लेसमेंट को एक्चुअल में दूसरे ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल से, इसे हम लोग कहते हैं SN रिएक्शन. तो SN रिएक्शन हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड में पढ़ी है, कुछ वो 18 रिएक्शन का जो चार्ट पढ़े थे ना उसी के बारे में बात कर रही हूँ. लेकिन एराइल हैलाइड में ये रिप्लेसमेंट बाय ऑफ हैलोजन और इन एरोमेटिक रिंग बाय अनादर न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है. जब हम लोग जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, उस वक्त मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुम्हें आराम से जो अल्काइल होते हैं उनमें तो मिल जाती है, बट एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको वो कम मिलती है, ठीक है. अब उसका हमें रीज़न देखना है कि क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में इतनी कम है या फिर नहीं होती है कि होती है क्या, और सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या है. अगर रिंग में इस तरीके से एराइल हैलाइड्स में होता है. अब जो बातचीत ये है कि एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जब हम लोग एराइल हैलाइड में करने जाते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मैं बोलूँगी कि मुझे इस एक्स को हटाकर यहाँ पर लेट से OH लगाना है तो ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है, ठीक है. अगर मैं कहूँगी कि मुझे यहाँ पे ग्रुप लगाना है लेट से साइनाइड या फिर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लाइक NH2 NO2 मतलब कोई दूसरा, तो ये इतना इजी नहीं है. इसके लिए मुझको बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट रहती है. अब ड्रास्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट का मतलब मुझे इस
को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर नहीं चाहिए, मुझे इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर तुम इसको हाई टेम्परेचर दोगे तो ये रिएक्शन फटाफट हो जाएगी, ठीक है, और या तो फिर इसको आपको हाई प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। और एक और कंडीशन होती है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये ड्रास्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन आपका हेलो अरीन्स इतना डिफ़िकल्ट है? इलेक्ट्रोफिलिक उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट हेलो अरीन्स में सब्स्टिट्यूशन है, वो भी न्यूक्लियोफिल के साथ। ऐसा क्यों, ऐसा रिएक्शन क्यों डिफ़िकल्ट है? तो देखो, उसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, हमारे पास वो बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब जो आपकी बेंजीन रिंग है ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें पाए बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लगा के रखा है लेट्स से हैलोजन, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर्स है। तो इनडायरेक्टली तुम ये कह सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा तुम्हारा सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। अब इमेजिन करते हैं इस इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के पास अगर एक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम को एक इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल अगर अप्रोच कर रहा है तो इस सिस्टम और उस न्यूक्लियोफाइल के बीच में डेफिनेटली वहाँ पे क्या होने वाला है, रिपल्शन क्रिएट होगा। ये इसका एक रीज़न है, बहुत ही छोटा सा, इलॉजिकल भी कह सकते हो समझने के पर्पज से, कि इस वजह से वो जो सिस्टम है आपका वो रिपल्शन क्रिएट करेगा और रिपल्शन की वजह से वो रिएक्शन आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और अभी इमेजिन करो कि अब भी इस तरह से इसको इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ को अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियस है कि इस बार सिस्टम और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में अट्रैक्शन होगा और रिएक्शन खुद फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रहेगी इंटरेस्टेड। इसीलिए आपकी ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये ज़्यादा जल्दी और बिना किसी ड्रास्टिक कंडीशंस के हो जाती हैं, और इन रिएक्शंस को थोड़ा क्या लगता है, टाइम लगता है, या फिर कह सकते हो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जैसी सिचुएशंस आपको देनी पड़ती हैं। सो ये तो हो गया इस सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव 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 के बीच का एक एक्सप्लेनेशन। बट अगर मुझे एक्चुअली में जानना है कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, क्या मतलब आपकी जो हेलो अरीन्स हैं वो क्यों एसएन रिएक्शन के तरफ, उनकी रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड के प्रति के रिस्पेक्ट में कैसी है, मतलब जैसे अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि मेरे पास एक आरएक्स है और मेरे पास एक एआरएक्स है और दोनों को मैं न्यूक्लियोफाइल दे रही हूँ, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हम मुझे ये कंपैरिजन करना है कि अल्काइल हैलाइड वर्सेस एराइल हैलाइड में कौन रिएक्टिविटी देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल, और किस रेट में देगा और किस तरीके की रिएक्टिविटी रहेगी। तो इन जनरल ये बात तो समझ में आ रही है कि एआरएक्स को न्यूक्लियोफाइल के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी जो रिएक्टिविटी है वो अल्काइल हैलाइड से तो कम रहेगी। यहाँ पे बात सिर्फ एआरएक्स की नहीं हो रही है, आपके जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, विनाइल हैलाइड्स का मतलब जब तुम्हारा एक्स जो है वो कुछ इस तरीके के सिस्टम से अगर कनेक्टेड रहता है, ठीक है, मतलब हैलोजन डायरेक्टली आपके उस कार्बन से अटैच्ड है जो कार्बन आपका डबल बॉन्ड है, एक अलाइल होता है और एक विनाइल होता है ना, मैं यहाँ पे विनाइल की बात कर रही हूँ, अलाइल की बात नहीं कर रही हूँ। तो विनाइल वाला जो सिस्टम है और अराइल वाला जो सिस्टम है, ये दोनों के दोनों सिस्टम की रिएक्टिविटी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति बहुत कम है। अब द रीज़न कि यहाँ पे रीज़न क्या है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ अराइल का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बट लेकिन ये सारे डिस्कशंस कुछ हद तक विनाइल में भी वैलिड होंगे, मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो एराइल हैलाइड है वो दिखता कैसा है। ये इन जनरल मैंने आपका ये एक बेंजीन रिंग बना ली, ठीक है, ये बेंजीन रिंग में तुम्हारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऊपर में एक हैलोजन एटम लगा हुआ है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर्स हैं। अब हमको ये बात अच्छे से पता है कि ये जो हैलोजन एटम है, इस हैलोजन एटम के पास प्लस आर इफेक्ट भी होता है, ठीक है, रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन रिंग को सप्लाई भी कर सकता है, और इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई वाला इसके पास होता है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। लेकिन एज वी नो कि कौन सा इफेक्ट इसमें से डोमिनेटिंग रहेगा, तुम्हारा प्लस आई वाला इफेक्ट डोमिनेटिंग रहता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रेजोनेंस होगी। तो अगर यहाँ पे रेजोनेंस हुई तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये जो तुम्हारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है. मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोगों को ड्रॉ करना आता है, हम लोग क्लास में यार ये चीज़ सीख चुके हैं. तो अगर लेट से तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार नोट्स वगैरह देख लेना, ठीक है. आप क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं एक्स ने, तो एक्स बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. अब वापस से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये वाली चीज़ फिर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है. तो अब यहाँ पे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये आ गया आपका रिंग, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ एक बॉन्ड बन गया, ऊपर में ये डबल बॉन्ड एक्स और बेचारे एक्स के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, और अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं पैरा पोजिशन पे. अगेन फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते जब तक हम लोग हमारी इनिशियल स्ट्रक्चर तक नहीं पहुँच जाते, ये वाला. तो अभी इसके बाद क्या होगा, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगेन ये आपने एक रिंग ड्रॉ कर ली, इस रिंग में यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एक्स है और अभी ये पॉजिटिव चार्ज. अब अगर फिर से मैं इसको एक और बार ड्रॉ करती हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ करती हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो फाइनली मेरे को मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिल गया, मतलब मेरी जो रेजोनेंस थी उसकी एक साइकिल कैसे मैंने कंप्लीट कर ली है. तो ये मेरी रिंग ऐसे क्रिएट हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड एक्स हो गया, लोन पेयर आ गया, पॉजिटिव चार्ज चला गया. तो ये तो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है. अब बात देखो यहाँ पे क्या है, इसके रीस एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम लोगों को सारे रीजंस पता चल जाएंगे कि एराइल हैलाइड जो है, सबसे पहले ध्यान देना, एराइल हैलाइड उठाकर अगर तुम ले आओ तो एराइल हैलाइड में रेजोनेंस हो रही है, बराबर. लेकिन अगर मैं अल्काइल हैलाइड को लेकर आती हूँ, अल्काइल हैलाइड का मतलब सादी सी मेरे पास सिर्फ एक कार्बन की चेन है, लेट से ये मैंने एग्जांपल ले लिया CH3CH2X, क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रेजोनेंस हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नॉट. तो अल्काइल हैलाइड में रेजोनेंस नहीं होती, ठीक है. तो ये पहला पॉइंट अच्छे से दिमाग में रखना कि एराइल हैलाइड अंडर रेजोनेंस शो करता है, अल्काइल हैलाइड रेजोनेंस शो नहीं करता. सिमिलरली वैसे तो विनाइल हैलाइड का हमारी टेक्स्ट बुक में कोई डिस्कशन नहीं है, बट जब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था तो उस वक्त भी एराइल और विनाइल को साथ में रखा था. तो अभी विनाइल हैलाइड को भी अगर मैं ले लूँ, विनाइल हैलाइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ठीक है, ये इस तरीके का रहेगा. तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी, तो यहाँ पे भी आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकती है. तो होता क्या है, अभी यहाँ पे रीज़न देखना ध्यान से, कि इस रेजोनेंस होने की वजह से जो तुम्हारा एराइल हैलाइड था, उस एराइल हैलाइड में ये जो कार्बन था और ये जो हैलोजन था, देखो इस कार्बन और उस हैलोजन के बीच में क्या क्रिएट हो गया है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस के फेनोमेनॉन के होने की वजह से उस कार्बन और उस हैलोजन के बीच में एक पाई बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, ठीक है. और ऐसा कोई भी पाई बॉन्ड तुम्हें यहाँ अल्काइल हैलाइड के हैलोजन और उस कार्बन के बीच में नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास रीज़न नंबर वन देखो क्या आ गया. रीज़न नंबर वन हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड में जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड के पास कोई रेजोनेंस नहीं हो रही. अब यहाँ पे क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है, इसीलिए कार्बन और हैलोजन के बीच का जो ये बॉन्ड है, ये आपका सिंगल बॉन्ड है. लेकिन वहीं पे बाजू में अगर मैं आपके एराइल हैलाइड को अगर कंपैरिजन में लाऊं, तो जो तुम्हारा एराइल हैलाइड है वहाँ पे रेजोनेंस हो रही है. अब रेजोनेंस होने की वजह से वहाँ का जो कार्बन और एक्स का बॉन्ड है उसके अंदर डबल बॉन्ड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं. ये दिख रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डबल बॉन्ड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए. अब इतनी तो बेसिक अक्कल हमारे अंदर है कि अगर मैं सिंगल बॉन्ड को और डबल बॉन्ड को स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में कंपेयर करूँगी, तो जो डबल बॉन्ड होता है इसकी स्ट्रेंथ वाइज ये चीज़ क्या होती है, आपके सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होता है. मतलब अगर मुझे कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड तोड़ना है यहाँ पर, तो मुझे सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. और लेकिन अगर मुझे एक्स निकालना है तो मुझे यहाँ पे कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. तो इस बार मुझे दो बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं. तो इसका मतलब मुझे कहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होगी, मुझे यहाँ पे एराइल हैलाइड में ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होगी क्योंकि इसने डबल बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर कर लिया है. तो हम ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी, ठीक है, टू रिप्लेस एक्स, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से एक्स को रिप्लेस करने में डिफ़िकल्टी होगा. तो इसीलिए जब तुम ड्रास्टिक कंडीशंस देते हो, जैसे कि हाई टेम्परेचर देते हो या फिर हाई प्रेशर देते हो या फिर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगाते हो या कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो रिंग में,
तो इन चार कंडीशन से आपकी जो डिफ़िकल्टी है इससे हम ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है, मैं एक एक करके रीज़न जस्टिफाई कर दूंगी, लेकिन कौन सी वो चार तरीके हैं जिससे हम इस ड्रास्टिक कंडीशन, जैसे मैं बोल रही हूँ, या तो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करो, या तो उस रिंग के ऊपर क्या लगा दो, कोई एकदम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दो. इस पर हम बातचीत करेंगे. हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर तो ड्रास्टिक कंडीशंस की खासियत ही है. इस तरीके की आप कंडीशंस दो तो हो सकता है कि रिएक्शन आए. तो अब कैसे, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि, या फिर लेट्स से एमसीक्यू में आया, या फिर असर्शन रीजनिंग में आया कि व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस द हैलोजन एटम इन अराइल हैलाइड विथ रिस्पेक्ट टू द हैलोजन एटम इन अल्काइल हैलाइड, तो उसका जस्टिफिकेशन क्या रहेगा कि अल्काइल हैलाइड में कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, अराइल हैलाइड रेजोनेंस शो कर रहा है. क्योंकि अल्काइल हैलाइड में कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है, इसीलिए अल्काइल हैलाइड जो है वहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और अराइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड है. तो देयर फोर हम लोगों को वहाँ पे डिफ़िकल्टी फील होती है. ये हो गया एक रीज़न, ठीक है, क्या करने का, उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने का. अब ये सिर्फ इकलौता एक रीज़न नहीं है, ठीक है, ये इकलौता एक रीज़न नहीं है, इसका आप देखो दूसरा रीज़न भी है. रीज़न नंबर टू, जैसे अभी ये जो था रीज़न, ये मैंने किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया, रेजोनेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है ना, कि रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है. अब रीज़न नंबर टू, ठीक है, मान लेते रेजोनेंस नहीं भी हो रही होती, ठीक है, ये अज्यूम करो कि तुम्हें रेजोनेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तुम्हें रेजोनेंस करते नहीं आता है करके, ठीक है, और वहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही. लेकिन अब फिर उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो एक दूसरा तरीका होता है इसी सेम रीज़न को जस्टिफाई करने का, और वो तरीका है हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी इस चीज़ को क्या किया जा सकता है एक्सप्लेन. जैसे अगर मैं एक अल्काइल हैलाइड को कंसिडर करूँ, CH3, CH2, और यहाँ पे ये इस तरीके से X, तो यहाँ पे जो ये कार्बन तुम यूज़ कर रहे हो, ये कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन का है, ये SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है. और अगर यही चीज़ मैं एक अराइल हैलाइड में ले लूँ, तो अराइल हैलाइड में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग होती है, और X इस बेंजीन रिंग से यहाँ से अटैच्ड है. तो ये जो आपका ये कार्बन है, ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन का, ये SP2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है. अब जो SP2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, उनका जो ऑर्बिटल का जो शेप है, ठीक है, उनका जो ऑर्बिटल होता है, वो ऑर्बिटल क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है. ठीक है, स्मॉलर इन साइज, इसको मैं और जस्टिफाई करती हूँ, स्मॉलर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू SP3, ठीक है, ठीक है, एज कम्पेयर टू SP3. या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि SP2 जो होती है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू SP3 कार्बन एटम के, है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली कम होती है. अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हमारा थर्ड रीज़न रहेगा, फिलहाल रीज़न नंबर टू में हम लोग फिक्स रहते हैं. तो रीज़न नंबर टू के हिसाब से जो SP2 होता है वो छोटे साइज का होता है एज़ कम्पेयर टू SP3. अब ऑब्वियस है कि जो चीज़ साइज में छोटी है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर जो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, वो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, आपकी शॉर्टर हो जाएगी as compared to SP3. ठीक है, यहाँ पे orbital का size smaller है, और यहाँ पे orbital का जो size है वो आपका comparatively larger है, बराबर. और यहाँ पे आपकी जो bond strength है वो short है, bond length जो है वो short है, तो obvious है कि यहाँ पे bond length comparatively long होगी. bond जितना छोटा होता है वो उतना ही क्या होता है, stronger होता है, और यहाँ बॉन्ड जितना बड़ा होगा वो उतना ही कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, वीकर. तो ऑब्वियसली वीक वाली चीज़ को तोड़ना आसान हो जाता है, तो इसीलिए तुम ये वाला बॉन्ड इजीली तोड़ सकते हो और एक्स को हटा के किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को ला सकते हो. बट यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड आपके थोड़ा टाइट है, स्ट्रांग है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी. ये हो गया रीज़न नंबर टू हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर. तो हाइब्रिडाइजेशन का हमने यूज़ करके इस रीज़न को जस्टिफाई किया, जहाँ पे हमने किस पे बातचीत की, उसके ऑर्बिटल के साइज पे हमने बातचीत की. अब देखो यहीं पर जो आपका रीज़न नंबर बी है, वो रीज़न नंबर बी देखो किस तरीके से है. रीज़न नंबर बी तुम्हारे पास ये कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर करो. ठीक है, जैसे अब ये मान लेते हैं मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड में यहाँ पर ये कार्बन एटम कौन सा है, ये आपका SP3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो तुम्हारे पास अराइल हैलाइड है, यहाँ पे जो ये कार्बन एटम है ये कौन सा है, SP2 हाइब्रिडाइज्ड है. जो हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, कि SP सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, SP2 उससे कम, और सबसे उनमें का सबसे कम क्या हो जाता है आपका SP3.
तो डेफिनेटली यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला कार्बन एटम sp2 है, बाजू वाले के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की. ठीक है, उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखूं. तो इसका मतलब ये बाजू वाले के कंपेयर में, ठीक है, ये बहुत ही कम इच्छुक है किस काम को करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए. एक्स मतलब ऑब्वियस है कि अगर तुमको एक्स को बाहर निकालना है तो इस कार्बन और इस एक्स के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो नियम के अकॉर्डिंग वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जिससे ये बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा, एक्स लेकर जाएगा. ठीक है, और अगर तुम्हें अल्काइल हैलाइड में भी यही सेम काम करना है तो भी तुम्हें इस कार्बन एक्स और एक्स के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा. बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा, एक्स लेकर जाएगा. तो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन बात करूँ तो ये क्योंकि sp2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके बाजू वाले के रिस्पेक्ट में थोड़ी ज़्यादा है, तो इसकी इच्छा नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए. तो इसीलिए ये क्या होता है, लेस पोलर होता है. लेस पोलर का मतलब ये अपना एक्स अच्छे से या फिर इजीली तुम्हें नहीं देगा जितने अच्छे से ये बाजू वाला दे देता है. बाजू वाला बोलता है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी कम है, मुझे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लेकर जाओ इलेक्ट्रॉन, मेरे को अपना पॉजिटिव चार्ज पसंद है. ठीक है, तो ये अपना एक्स दे देगा और एक्स दे देने के बाद इसके ऊपर, खुद के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बोलेगा मुझे कार्बो कैटायन बनने में कोई तकलीफ नहीं है, एक्स तुम लेकर जाओ इलेक्ट्रॉन. लेकिन अगर इमेजिन करो यहाँ पे अगर हम लोगों ने आपकी ये बेंजीन रिंग से अगर एक्स छीन लिया होता तो बेंजीन रिंग पे यहाँ पे क्या आ जाता, कार्बो कैटायन आ जाता, फिनाइल. ठीक है, फिनाइल कैटायन. तो ये जो फिनाइल कार्बो कैटायन होता है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है. ये इसीलिए अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है. तो इसीलिए इस रिएक्शन में अगर आप बोलोगे कि एक्स को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक्स कैसा है, रिमूव होना फेवरेबल है क्योंकि कार्बो कैटायन ही बन रहा है. अगर यहाँ पे एक्स को हम रिमूव करते हैं और कार्बोकैटायन अगर फॉर्म कर हो जाता है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, अगर यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म हुई और SN1 के थ्रू अगर मान लेते हैं यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, तो कार्बोकैटायन जो रहेगा हाईली अनस्टेबल होगा. तो वो भी ऑब्वियस है कि फिर रिएक्शन SN1 के पाथ को फॉलो नहीं करेगी. तो फिर इसमें एक इंसान इस तरीके से सोच सकता है कि ठीक है बिना कार्बोकैटायन बनाए रिएक्शन करवा लेते हैं. बिना कार्बोकैटायन बनाए रिएक्शन किस तरीके से होती है, SN2 के तरीके से होती है, लेकिन SN2 के लिए हमें अटैक करना पड़ता है. तो यहाँ पे जो आपकी एरोमेटिक रिंग है ये ना तो आपको बैक साइड अटैक करवाती है, ना ही आपको ये फ्रंट वाला अटैक पॉसिबल करवाएगी, क्योंकि ये जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देती है. ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम्हें रीजंस जस्टिफाई करने थे. तो इनडायरेक्टली इस पूरे प्रवचन से हमको ये समझ में आता है कि एराइल हैलाइड में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है न्यूक्लियोफाइल के साथ तो वो थोड़ी मुश्किल होगी. क्यों वो मुश्किल होगी, क्योंकि इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बेंजीन को अप्रोच कर रही है और ऐसी रिंग जो ऑलरेडी खुद बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होती है. ठीक है, और पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं, इसकी मैकेनिज्म भी हमें आती है. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की वर्सेस में बात करते हैं, अल्काइल हैलाइड वर्सेस एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो तुम ये देखो कि पहला रीज़न हमने जो जस्टिफाई किया वो था रेजोनेंस. रेजोनेंस अल्काइल हैलाइड में नहीं हो रही थी जिसकी वजह से उसके अंदर सिंगल बॉन्ड वाला ही कैरेक्टरिस्टिक था. रेजोनेंस आपकी एराइल हैलाइड में हो रही थी जिसकी वजह से वहाँ पे ये डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक था. डबल बॉन्ड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ने कार्बन हैलोजन के बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बना दिया जिसकी वजह से हमें एक्स को निकालने में डिफ़िकल्टी हो रही है. तो अगर एक्स नहीं निकलेगा तो ऑटोमेटिकली एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम. तो पहला रीज़न जो था उसने भी किसको सपोर्ट किया, तुम्हारे इसको ही सपोर्ट किया. सेकेंड रीज़न में आते हैं वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में फिर दो लॉजिक वर्क करते हैं. पहला, वैसे दोनों लॉजिक ऑन द सेम वे दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, देखा जाए तो. एक पहला आपका ऑर्बिटल वाला साइज और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जो तुम्हारा एराइल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और जो आपका अल्काइल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. तो एराइल हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वो, सॉरी, एराइल की ज़्यादा होती है तो उसकी इच्छा है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखूँ, मैं एक्स को नहीं दूंगा. तो इसीलिए वो नहीं देता है और एक्स ईजिली दे देता है.
तो इस तरीके से तुम्हें रीज़न जस्टिफाई करने होंगे, ये उस पूरी चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। तुम अगर अपना अगर इसका आंसर तुम्हें चाहिए तो जो तुम्हारी टारगेट है, टारगेट में जैसे ही तुम ये वाला पार्ट एराइल हेलाइट खोलोगे, ठीक है, तो उस एराइल हेलाइट वाले पार्ट में होगा क्या कि तुम्हें दिखेगा क्वेश्चन करके कि एक्सप्लेन वाई एराइल हेलाइट्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तुम्हें बोली, तुम्हें इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अच्छे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उनको कैसा समझाना है। ज़रूरी नहीं है कि तुम बुक के लैंग्वेज में पूरा का पूरा रट्टा मारो, उसे अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, हाँ, बट वो लॉजिकल होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं लिख देना जो कि इलॉजिकल हो। ओके, ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि आरएक्स की रिएक्टिविटी एआरएक्स के प्रति कम होती है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट नोट तुम लोग अपने कॉपी में कर लेना, नोट वो ये रहेगा कि हम लोगों को एक बहुत ही फेमस पीपीटी के बारे में पता है, ठीक है, ये वाली पीपीटी आपकी एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, है ना। एजीसीएल वाली पीपीटी का कलर क्या होता है, वाइट, एजीबीआर का पेल येलो और एजीआई का थोड़ा डार्क येलो। तो एजीसीएल की पीपीटी ये वाइट पीपीटी होती है, और अगर तुम इस एजीसीएल की पीपीटी को कन्फर्म करना चाहते हो कि तुम एजीसीएल की ही पीपीटी हो ना, क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब उसमें आपको वाइट कलर की पीपीटी अदर केमिकल्स भी क्योंकि शो करते हैं, तो ऐसे में एजीसीएल की पीपीटी का कलर वाइट होने के बाद भी हम उसमें क्या करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं, कंफर्मेशन टेस्ट एजीसीएल ही है ये, इसका ये होता है, ये तुम याद करना है। इनऑर्गेनिक में ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं NH4OH, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद अगर पीपीटी उसमें डिजोल्व हो जाए तो इस कंफर्म करता है कि वो पीपीटी एजीसीएल की ही थी। ठीक है, तो ये एजीसीएल का टेस्ट है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इमेजिन करो, मैंने कल को तुमसे एक क्वेश्चन रेस किया कि मैंने आपको दिया था क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन देने के बाद मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्लोरोबेंजीन में अगर मान लेते मैंने ये डाला एक्वस KOH, ठीक है, और एक्वस KOH डालने के बाद मेरे से एक प्रोडक्ट बना ए, और उस प्रोडक्ट ए में मैंने डाला फिर AgNO3, तो बताओ फिर एक और प्रोडक्ट बना बी। अब ये मैंने ऐसा पूछा, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकती हूँ कि ये मैंने दिया CH3Cl, सेम इसमें डाला एक्वस KOH, इसमें एक प्रोडक्ट बना ए और ए में मैंने डाला AgNO3, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना बी। अब इसका आंसर लिखो, तो देखो एक्वस KOH ये याद आ रहा होगा तुम लोगों को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यानी कि ए वाला आंसर क्या होगा, CH3OH ये तुम्हारा बन जाएगा, प्लस बाई प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, KCl। मैं अपने बाई प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हुआ, आयोनिक कंपाउंड है, इसमें मैंने डाला फिर AgNO3, तो अब तुम्हें पता होगा कि इन दोनों के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और एक प्रोडक्ट बनेगा KNO3। KNO3 एक सॉल्ट होता है, ठीक है, सोल्यूबल होता है, और एक दूसरा हैवी सॉल्ट एक और बनेगा, वो रहेगा तुम्हारा AgCl, और AgCl की वजह से वहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, वाइट कलर की पीपीटी दिखेगी। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन रहेगी अल्काइल हैलाइड के केस में, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई मुझसे पूछेगा कि एराइल हैलाइड में ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी क्या, कि क्या एराइल हैलाइड में भी वाइट कलर की पीपीटी मिलेगी, तो नहीं, एराइल हैलाइड में आपको वाइट कलर की पीपीटी नहीं मिलेगी अगर आप कंडीशंस नॉर्मल रख रहे हो। ड्रास्टिक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर तुम कंडीशन नॉर्मल रख रहे हो, क्योंकि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडर नॉर्मल कंडीशन शो नहीं करता, यानी कि यहाँ पे जो ये Cl है ये Cl बाहर नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पर KCl फॉर्म नहीं होगा। अगर KCl ही फॉर्म नहीं होगा तो फिर AgNO3 किस तरीके से रिएक्ट करेगा करके, मतलब, ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो कि आपका जो अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो क्लोराइड आयंस का जो टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस, कौन सा टेस्ट होता है क्लोराइड आयंस का, ये है क्लोराइड आयन का टेस्ट, ठीक है, कि AgNO3 डालो, अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में AgNO3 डालो, AgNO3 डालने पर अगर वाइट पीपीटी मिल रही है तो इसका मतलब क्लोराइड आयन है। फिर उसी टेस्ट का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है CT, वो ये होता है कि उसमें आप NH4OH डालो, अगर वो सोल्यूबल है तो फिर आपका कंपाउंड कन्फर्म वहाँ पे क्लोराइड आयन है। तो अल्काइल हैलाइड टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन शो करता है, लेकिन जो एराइल हैलाइड है वो इस क्लोराइड आयन के टेस्ट को शो नहीं करता।
ठीक है, रीज़न हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है क्योंकि क्लोराइड सब्सटीट्यूशन न्यूक्लोफिलिक रिएक्शन में चीज़ नहीं होगी बराबर, वहाँ आपको अल्काइल हैलाइड में पीपीटी मिलेगा बट आपको एराइल हैलाइड में नहीं मिलेगा करके, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तुम्हारी जानकारी में होनी चाहिए। अब जो मैं बता रही थी तुम्हें कि ड्रास्टिक कंडीशंस अगर हम रखें, ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशंस में देखो टोटल चार फैक्टर्स आते हैं। पहला, हाई टेम्परेचर रखो आप बहुत, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रखो, ठीक है। दूसरा, और जैसे एक हो गया आप लोगों का हाई टेम्परेचर, दूसरा हो गया तुम्हारा हाई प्रेशर, और उसके बाद तीसरा यहाँ पे हो गया करके कि आपने कोई जो न्यूक्लियोफाइल लिए वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए। या फिर चौथा जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आप अपनी एरोमेटिक रिंग पे, ठीक है, अपनी जो आपके पास बेंजीन रिंग है उस एरोमेटिक रिंग की जो ऑर्थो पोजिशन है या फिर उसकी जो पैरा पोजिशन है उस ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब ऐसा अच्छा सॉलिड ग्रुप जैसे कि COOH, कार्बोक्सैलिक, नाइट्रो, ठीक है, जो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। इंडक्टिव तो देखो तुम्हें पता ही है कि वो डिस्टेंस के साथ कम होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कोई खास काम का नहीं है। अच्छे खासे सॉलिड माइनस आर वाले ग्रुप लगा सको ताकि वो एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस पे भी आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन फटाफट हो जाएगी, ठीक है। इसका एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास पहले एक सादा सिंपल सा क्लोरोबेंजीन था, उस क्लोरोबेंजीन में तुमने NaOH डाला। अब जो NaOH की देखो कंसंट्रेशन है वो 6-8% है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो तुम टेम्परेचर रख रहे हो वो 623 केल्विन का रख रहे हो, ठीक है, और 300 ATM का लगभग यहाँ पे हमने प्रेशर रखा है। सेकेंड, इस रिएक्शन में डाइल्यूट HCl भी डाला है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इतना कंडीशन अगर आपने दिया तो ये देखो बन गया OH। अब अगर मान लेते हैं मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में मैं क्लोरोबेंजीन लेकर बैठी हूँ, और टेस्ट ट्यूब में फिर मैं आके बोलती हूँ कि चलो इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा NaOH डालती हूँ, तो NaOH डालने पे क्या मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा? तो ऑब्वियसली नॉट। 623 केल्विन का मतलब होता है लगभग 250 डिग्री सेल्सियस, इसे नॉर्मल कंडीशन तो नहीं कहते। तो ये देखो 250 डिग्री सेल्सियस का जब तुम टेम्परेचर दोगे और 300 ATM, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही 1 ATM होता है, 300 ATM बापरे, तो जाके तुम्हें फिनॉल मिल रहा है। अब उन लोगों ने क्या किया, अब उन्होंने एक तरकीब निकाली कि एक काम करते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में उसकी पैरा पोजिशन पे NO2 लगा देते हैं। हमें पता है NO2 बहुत अच्छा, ठीक है, माइनस आर ग्रुप है जो आपको ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है बल्कि रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है बराबर। अब अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने बोला कि अब हमें फिनॉल बनाना है, ठीक है, फिनॉल बनेगा, यहाँ पे ऊपर में Cl की जगह OH आएगा, नीचे में NO2 पहले भी था अभी भी है, तो लेकिन फ़र्क इतना पड़ेगा कि जैसे पहले हम 6-8% NaOH डाल रहे थे, अभी 15% वाला NaOH है, उस 15% वाले को भूल जाओ, वो हमारे कोई काम का नहीं है। टेम्परेचर देखो, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर हमें लग रहा है वो 433 केल्विन के आसपास का लगेगा। ये सारे एक्सपेरिमेंटल डाटाज हैं, ठीक है, इतना एक्यूरेट टेम्परेचर, इतना एक्यूरेट प्रेशर, ये तुम्हें याद करने की नीड नहीं है। मैं रफली याद रखती हूँ कि 250 डिग्री सेल्सियस, मैं कभी भी टेम्परेचर को केल्विन में याद नहीं रखती, मैं रफली याद रखती हूँ कि 250 के आसपास था, 300 के आसपास था, ठीक है। तो 433 केल्विन, यानी कि 433 केल्विन का मतलब ये वाली चीज़, अच्छा रुको रुको, मैंने ऊपर में शायद मिस्टेक कर दी है, ये वाली चीज़ जो है आपका 623 जो था ना, इससे मैंने 100 थोड़ा सा कम कर दिया, ये 350 है, ठीक है, मैंने 350 लिखना था, 250 मेरे मुँह से निकल गया, ठीक है, सॉरी इस चीज़ के लिए। अभी जो ऐसे 433 है, तो 433 जो तुम्हारा केल्विन है, अगर इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो ये 160 है। देखो एकदम आधा हो गया टेम्परेचर सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप के लगे होने की वजह से। और इमेजिन करते हैं अब अगर कंडीशन ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए कि जैसे यहाँ पे Cl, यहाँ पे एक NO2 लगा दिया, यहाँ पे एक NO2, ऊपर में सिर्फ एक NO2 था पैरा पोजिशन पे, अभी भी पैरा पोजिशन पे है लेकिन ऑर्थो पोजिशन पे भी एक NO2 और लगा दिया। तो अब ऐसे में जो तुम्हें देखो NaOH चाहिए वो कंसनट्रेटेड तो चाहिए नहीं, एक्वस NaOH में भी काम हो जाएगा, ठीक है, वो सब छोड़ दो, हमें एक्वस NaOH से कोई मतलब ही नहीं है।
368 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए. अब जो 368 केल्विन है, व्हाट डू यू मीन बाई 368 केल्विन? अगर तुम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 95 डिग्री सेल्सियस में बात बन गई. और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ये जो Cl है, Cl की जगह यहाँ आ जाएगा OH, और बाकी के जो आपके दो NO2 हैं वो वैसे के वैसे. अब मान लेते हैं हमारे पास होता कैसा है, किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में दो ऑर्थो पोजिशंस होती हैं और एक पैरा होती है. तो एक ऑर्थो पे हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं और एक पैरा को हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, एक और ऑर्थो बच गया है, उस ऑर्थो को भी यूज़ कर लेते हैं. मतलब टोटल मैंने अभी 3 NO2 लगा दिए. और ऐसे केस में अब अगर मैं बोलूँगी कि इसमें मुझे रिएक्शन करनी है, अब तो ये इस रिएक्शन का मजाक ही बन गया है. इसमें तो बल्कि अब तुम्हें NaOH यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है. पानी डालो और हल्का सा उसको वार्म कर दो. सोचो पानी के अंदर भी तो OH होता है ना, तो ये फटाक से ये रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ऊपर में OH आ जाएगा और यहाँ पे ये NO2 लग जाएगा. तो इस एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमें समझ में क्या आ रहा है कि जैसे जैसे मैं उस रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा रही हूँ, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एरोमेटिक रिंग में रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, तो ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा बेटर क्या है कि रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो. तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब हो तो रहा है, अब हमारा मुद्दा ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके रीज़न को समझते हैं. तो रीज़न समझने से पहले एक अगेन GK का फैक्ट, तुम लोग इसका वैसे IUPAC नॉमिनक्लेचर लिख लोगे, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें पता है कि NO2 तुम्हारा लोकेंट है. तो इसका अगर तुम नाम लिखोगे तो ये सेकेंड पोजिशन, ठीक है, ये फोर्थ पोजिशन और ये सिक्स पोजिशन, 2.4.6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये इसका नाम आएगा. ठीक है, IUPAC नेम हो जाएगा 2.4.6 और ट्राइनाइट्रोफिनॉल. नो डाउट्स, मेरे हिसाब से इसमें तो नहीं आना चाहिए, लेकिन इस नाम से ज़्यादा अच्छा नाम इसका है पिक्रिक एसिड. ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पिक्रिक एसिड कौन होता है. क्वेश्चन यहाँ से रेज किया जा सकता है, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड. ठीक है, या फिर तुम्हें IUPAC नेम दे दिया जाए, पूछे इसका कॉमन नेम क्या है, या फिर स्ट्रक्चर दे दिया जाए, पूछे कि स्ट्रक्चर का कॉमन नेम बताओ क्या होगा. तो इनडायरेक्टली तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अब ऑब्वियस है कि इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में से यही अंतर है कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे CL है. तो इसे हम लोग कहते हैं पिक्राइल क्लोराइड. ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? पिक्राइल क्लोराइड. और अगर तुम्हें इसका IUPAC नेम लिखना है तो इसका होगा 2.4.6 ट्राई नाइट्रो, वहाँ पे फिनॉल था, अब यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन. ठीक है, लेकिन इसका कॉमन नेम होगा पिक्राइल क्लोराइड. पिक्राइल क्लोराइड याद हो ना हो, बट पिक्रिक एसिड होना चाहिए. ठीक है, तो ये हम लोग चीज़ यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल डाटास क्या है. अब बात आते हैं हम लोग रीज़न पे कि आखिर ऐसा वहाँ पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने की वजह से, वो भी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे. हाँ, अगर तुम मेटा पोजिशन पे लगा दोगे हैलोजन के रिस्पेक्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगाने से जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है. ठीक है, अगर लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा पोजिशन पे लगा दिया तो मेटा पोजिशन पे देखो लगाने से कुछ नहीं होगा. अब समझते हैं इसका रीज़न. अगेन यहाँ पे मुझे तुम्हें क्या कहते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाने पड़ेंगे. जैसे मान लो ये आपके पास एक रिंग है, यहाँ पे टॉप पोजिशन पे मैंने यहाँ पे CL लगा के रखा है, ठीक है, क्लोरो, और यहाँ पे NO2 है. NO2 का मैं पूरा स्ट्रक्चर बना रही हूँ. ठीक है, स्ट्रक्चर तुम लोगों को आता है कैसे बनाते हैं. यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये इस तरीके से, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, अभी इसको अप्रोच कर रहा है OH नेगेटिव. मैंने वीडियो की एकदम स्टार्टिंग में ही तुमको बता दिया था कि SN रिएक्शन का मतलब क्या होता है. एक बार फिर से चलते हैं. SN रिएक्शन में क्या होता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा और वहाँ पे जो हैलोजन है वो बाहर जाएगा. ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे केस में यहाँ पर जब मेरे को आपके हैलोजन को बाहर करना है तो ये जो मेरा OH नेगेटिव है, ये मेरा OH नेगेटिव किस कार्बन पे जाके अटैक करेगा? ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पर हैलोजन अटैच्ड है, यानी कि यहाँ. अगर वो यहाँ पे अटैक करता है तो ये जो दोनों के दोनों पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ आगे. ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से रहा? यहाँ मैंने गलत एरो दे दी, सिंगल डायरेक्शन की रहेगी, स्लो स्टेप रहेगी, ये RDS रहेगा हमारा. तो यहाँ पर ये आ गया आप लोगों का रिंग,
ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड वैसे का वैसी, ऊपर में अब क्लोरीन भी लग रहा है, ऊपर में आपका OH है, अब ऑक्सीजन ने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यूज़ कर लिया वहाँ बॉन्ड बनाने के लिए, तो अब ऑक्सीजन के ऊपर दो ही बचे होंगे, इसलिए अब उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले गए, इस पोजिशन पर चले गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और नीचे में ये तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप ये इस तरीके से। मैं अभी लोन पे वहाँ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में मैं दिखा चुकी हूँ। अब आप क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब रेजोनेंस होगी, ठीक है, रेजोनेंस करना आता है हम लोगों को, ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये जो पाँच इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर ये ऐसा हुआ तो ये हो गई आपकी रिंग, और यहाँ रिंग में यहाँ नीचे में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ओ नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ फॉर्म हो जाएगा बॉन्ड, यहाँ हो गया बॉन्ड, ऊपर में इधर सी एल भी है, इधर ओ एच भी है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से रेजोनेंस करवानी है, तो फिर से अगर रेजोनेंस करवाएंगे तो ये वाली चीज़ अब यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लेगी और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। तो अब अगेन इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ कर लिया तो कैसा आएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आ गई आपके पास रिंग, और रिंग के बाद ये ऊपर में सी एल, फिर यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, नीचे में ये एन ओ टू वाला ग्रुप, और यहाँ पे एक बॉन्ड, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ली, ये कौन है मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब मुझे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ऑब्वियस एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेती हूँ, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मैं किस तरीके से बनाऊंगी, ये आपका रिंग, रिंग के पोजीशन पे ऊपर में सी एल, यहाँ पे ये ओ एच, और नीचे में तुम्हारा एन ओ टू ग्रुप लगा हुआ है, और पूरी रिंग पे कौन सा चार्ज घूम रहा है, आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो रिंग पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज घूम रहा है तो इस तरीके से इसको अपन डिनोट करेंगे और यहाँ बीच में दे देंगे माइनस, बराबर, ये मैंने बनाया। फिर उसके बाद बहुत ही फास्ट स्टेप होगी, ठीक है, बहुत ही फास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि फाइनली आपका जो सी एल है वो गेट आउट बाहर, यानी कि सी एल नेगेटिव, और यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा ओ एच रिंग और ये एन ओ टू। तो ये स्लो फास्ट, ये देखो समझ गए हो कि किस तरीके से हो रहा है, इसमें दो दो स्टेप्स में काम होता है, एक ये पहली स्टेप आपकी आर डी एस है, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड, फिर बाद में इसमें कन्वर्ट हुआ, तो ये आपकी फास्ट स्टेप है। अभी इस स्टेप्स में मुझे बातचीत क्या करनी थी, अभी इस स्टेप में बातचीत ये करनी है कि ओ एच निगेटिव जो था उस ओ एच सॉरी जो सी एल था उस सी एल के रिस्पेक्ट में एन ओ टू को मैंने कहाँ लगाया, पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो मेरा कुछ इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अभी मैं ये वाली चीज़ बाकी बार बार नहीं बनाऊँगी, मैं सिर्फ ये बनाऊँगी, ये ठीक है, ये वाला काम मैं बनाने वाली हूँ। तो अभी क्या है कि इमेजिन करो ये वाला जो NO2 ग्रुप है ना पैरा पे ना लगकर ये वाला NO2 ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा, तो क्या होता, ठीक है। तो ये आपकी रिंग है, आपकी ठीक है, इस रिंग में यहाँ पे सी है, यहाँ से रिस्पेक्ट में ये आपका NO2 ग्रुप, और ये तुम्हारे और तरीके से बहुत कुछ। अभी मुझे अगेन इसका मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, इसमें ओ एच नेगेटिव आएगा, ओ एच नेगेटिव आकर यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया इसका, ऊपर में क्या आ जाएगा इस तरीके से, एक सी एल भी है, ओ एच भी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाना है, ये यहाँ, और ये आपकी एनओ टू पोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से रिंग, ऊपर में सी एल, मैं एरोज वगैरह नहीं बना रही हूँ, वो तुम लोग बना लेना, क्योंकि अलग अलग कलर से बनाने में उसको टाइम लग जाएगा, ठीक है, तुम्हें आता है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ पे ये NO2 और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। फिर से मैंने एक और आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आखिरी वाला ड्रॉ कर लेते हैं, हम हाइब्रिड ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ Cl और यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे NO2, और यहाँ पे अब तुम्हारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया कोने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि इस वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इस बार, ये नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अगर वो ऑर्थो पोजिशन पे रहता तो ठीक है, अब आते हैं मेटा पोजिशन पे। तो मेटा पोजिशन पे आ जाओ, अभी सी एल के रिस्पेक्ट में आपका एन ओ टू लगाए यहाँ ये वाली पोजिशन पे, हमने बोला ना मेटा पे लगाना नहीं है, तो क्यों नहीं लगाना है उसका रीज़न आएगा यहाँ। अगेन ओ एच नेगेटिव यहाँ अटैक करने के लिए पहुँचा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये आपकी रिंग आ गई,
ऊपर में Cl आ गया, OH आ गया, ठीक है, ये वाली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला बॉन्ड वैसे का वैसी, और यहाँ पे ये NO2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऊपर यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका NO2 और यहाँ पे ये बॉन्ड, और इस N के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या कहती है कि नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं, अरे यार मेरे से गलती हो गई, शिट, मैंने इस वाली को तो मैं ऑर्थो कह दिया, ये तो आपका मेटा है ना, अरे यार फालतू का भी बनाना पड़ेगा, मेटा के लिए तो बनाया ही नहीं है, चलो ठीक है मेटा के लिए बना लेते हैं, ध्यान ही नहीं रहा मेरा करके एकदम से, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है ऊपर में Cl, ये हो गई तुम्हारी मेटा पोजिशन NO2, ये ऐसा, ठीक है, और अब OH नेगेटिव आके क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास रिंग, ऊपर में Cl, यहाँ पे OH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये इस तरीके से, उसके बाद अगेन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऊपर में अगेन वो Cl और OH, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे इस तरीके से ये, और यहाँ पे देखो तुम्हारा ग्रुप कौन सा है, NO2, यहाँ पे अभी ग्रुप है NO2, और अभी हमारा आखिरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रिंग, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, और यहाँ O और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। अब इतने सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या सीख मिल रही है, तो अब उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को तुम्हें ध्यान से देखना है कि अगर पहले तो इन जनरल बातचीत कर लेते हैं, किसी भी माइनस आर के ग्रुप को, ठीक है, इमेजिन करना, अगर तुमने तुम्हारी रिंग पे लगाया है तो ये रिंग से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बराबर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस आर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो रिंग है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, समझ रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी का डिक्रीज होना क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ऑब्वियसली फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा रहने से आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है और उस ग्रुप रिंग के बीच में रिपल्शन क्रिएट होता है ना, किसी एक को ज़्यादा रहना पड़ेगा और एक किसी को कम रहना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल किसको कर रहे हैं, रिंग को, कि रिंग एक काम करो तुम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम करो, तो रिंग कैसे इलेक्ट्रॉन्स कम करेगी, ठीक है, अब ऑब्वियस है किसी को दान में तो दे नहीं सकती, तो उसने अपने पे लगा लिया एक ग्रुप, तो ग्रुप क्या करता है, रिंग से उसके इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होती है और न्यूक्लियोफाइल जो रहता है अब वो कंपैरेटिवली क्या करेगा, जल्दी अटैक कर पाएगा, ठीक है। अगर ये मैं माइनस आर ग्रुप लेट से मैं नहीं लगाती, तो नहीं लगाने से क्या होता, क्या होता पहले, जैसे कि मान लेते पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स है रिंग के पास, इमेजिन, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल के पास भी मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन रिपल्शन, फिर मान लेते मैंने माइनस आर ग्रुप लगा दिया, तो माइनस आर ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो अब रिंग के पास मान लेते सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कौन खींच के ले गया आपका, माइनस आर, और न्यूक्लियोफाइल से थोड़ी ना किसी ने खींचा, न्यूक्लियोफाइल के पास तो 10 है, तो अब तुम देखो 10 को जब 4 के पास अप्रोच करना है तो रिपल्शन अब क्या होगा, होगा क्योंकि लेकिन फिर भी बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, इसीलिए आप जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगाओगे उतना रिपल्शन कम होगा, और उतना जितना रिपल्शन कम होगा रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्या ये बात समझ में आएगी, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अटैक फैसिलिएट हो जाता है एराइल हैलाइड पे, ठीक है। चलो अब आगे काम करते हैं कि आखिर ऑर्थो और पैरा पोजिशन ही काय को हमने चूज़ की, मेटा पोजिशन में ऐसी क्या बुराई थी करके कि जिसकी वजह से हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं। देखो जब हम रेजोनेंस कर रहे हैं तो रेजोनेंस करने की वजह से आपकी जो रिंग है उस रिंग पे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बराबर। अब मान लेते हैं देखो इस केस में जब मेरा NO2 पैरा पोजिशन पे है, NO2 का जो ये नाइट्रोजन है इससे पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेरा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर है और उसी के नीचे देखो यहाँ नाइट्रोजन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव देखो कितने पास पास है, दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे ये देखो ये एक पेयर बन गया पॉजिटिव नेगेटिव का। अब आ जाओ एक और नीचे, पहले ये ऑर्थो वालों को देखो,
ऑर्थो में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होगा, ये माइनस प्लस एक कार्बन बीच में आ गया है, दूर है एक कार्बन बीच में उनके, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, देखो अगेन एक कार्बन उनके बीच में है, चलो जाने दो, यहाँ पे देखो अगेन पेयर बन गया प्लस माइनस वाला, है ना। अब एक बार मेटा को देखो, अपने मेटा में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये देखो बीच में एक कार्बन छोड़ो दो कार्बन दूर है, जाने दो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, चलो एक एकदम आजू बाजू ही है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये भी एकदम आजू बाजू है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो पेयर है वो एक बार भी नहीं बना, ठीक है। जो पेयर कहाँ बन रहा है, ऑर्थो पे वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला साथ साथ का पेयर बन रहा है, वो एक बार भी मेटा पोजिशन पे क्रिएट नहीं हो रहा है। क्यों ये पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और कार्बन पे आपका जो नाइट्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज को बियर कर रहा है और जो कार्बन है वो नेगेटिव चार्ज को बियर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो जो नाइट्रोजन है वो उस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। कैसे स्टेबलाइज करता है, क्योंकि नाइट्रोजन डिफिशियंट है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ऑब्वियसली वहाँ की इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे रिंग के, ठीक है, इसलिए वो स्टेबलाइज कर रहा है। और ऐसी स्टेबिलिटी हमको कहीं भी मेटा पोजिशन पे नहीं दिख रही है, इसीलिए मेटा पोजिशन पे अगर तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा भी लेते हो तो कभी भी नेगेटिव चार्ज उस पोजिशन पे नहीं आता है घूमकर, और वो कभी भी अपना काम कर ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं, ठीक है। जब नेगेटिव उस पे आएगा तभी तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से खींचेगा, नेगेटिव उस पे पहुँचता ही नहीं है कभी नाइट्रोजन वाले पार्ट पर, तो ऐसे केस में वो वहाँ पे होकर भी उसका कोई फंक्शन नहीं है। तो देयरफोर आपके जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रहने चाहिए, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का आज का यारा टॉपिक ख़त्म होता है। अभी इसके बाद तुम्हारे पास एक और वीडियो रहेगा, जैसे हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी, हम लोग अभी अराइल हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, हैलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट वगैरह, मैकेनिज्म वगैरह सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अभी वापस से मैकेनिज्म रिपीट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट तुम्हें प्रोडक्ट्स बताऊँगी कि इसमें ये डाला तो ये बना, इसमें ये डाला तो ये बना करके, ठीक है। मैकेनिज्म के लिए तुम एक बार अपनी नोट्स कॉपी करके रिफ़र कर लेना।